नमस्कार, मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ने वाले तमाम दोस्तों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ विजय कुमार के चौथे चरण में, चौथे भाग में आपका मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। 16/8/1990 एक रात आसमान बादलों से भरा आया था। पनघट पे घटा छा चुकी थी, हवा की रफ्तार भी काफी तेज थी। इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में खेत में काम करने वाले, झुकी झोपड़ी में रहने वाले लोग खेत में अपना खून पसीना बहाकर अभी चैन की नींद सो रहे थे। ऐसे में किनवर तहसील के वजरा गांव में दो व्यक्तियों का अपहरण होने वाला था। ये दो व्यक्तियों की गलती ये थी कि इन्होंने गांव की हिंदू आदिवासी महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप में या प्रेम संबंध के चलते अपने घर पर रख लिया था, जबकि बाजब्ता इनके घर में दो अलग अलग पत्नियां भी थी। विवाहित पत्नी अपने घर में होने के बाद भी इन आदिवासी महिलाओं को इन लोगों ने अपने घर पर रख लिया था। विजय कुमार को पुख्ता जानकारी मिली। उसने ऐसे लोगों को, विवाहित पत्नी होने के बाद भी दूसरी पत्नी को रखेल बनाकर रखने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए एक निर्णय लिया। इस गांव के उन दोनों लोगों का अपहरण करना और उनका कत्ल कर देना। इसी मंशा से वो घने जंगलों से, पहाड़ियों के शिखर से इस गांव की ओर पैदल ही निकल पड़ा। उसके साथ उसके साथी हथियार लेकर चलते रहे। शायद रात के 10 या 10:15 बजे होंगे। नाटक मंडली का कार्यक्रम जोरों पर चल रहा था। लोग आनंद से तालियां बजा रहे थे। आसमान में बारिश होने की पूरी संभावना थी। काले बादलों से आसमान घिरा आया था। लोगों को लग रहा था कि शायद बारिश होगी, लेकिन कार्यक्रम का वो आनंद ले रहे थे। ऐसे में दर्शक दीर्घा में दो व्यक्ति बैठे थे। विजय कुमार का जो लक्ष्य था, टारगेट था, ये वही दो लोग थे। एक लोकगीत गायन के गीत चलते ही विजय कुमार स्टेज पर चढ़ गया। अपने साथियों के साथ हथियार लेकर स्टेज पर आ गया और माइक उसने पकड़ लिया और बोलने लगा, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं आर्थिक समानता लाना चाहता हूँ। कोई ऊंच नीच, गरीब भेदभाव कुछ भी नहीं रहेगा। यदि आपका शोषण हो रहा है, वंचित पीड़ित लोगों को न्याय, अधिकार, हक दिलाने के लिए मैं इस वक्त इस मंच पर आया हूँ, विजय कुमार। लोगों में काफ़ी उत्साह आया। लोगों ने टालियों की गड़गड़ाहट से विजय कुमार का स्वागत किया। विजय कुमार दिखता कैसे है ये देखने के लिए महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हुई। उतने में टारगेट के मुताबिक विजय कुमार ने उन दोनों पुरुषों को अपने कब्जे में कर लिया। बाकी भीड़ को कहा, पुलिस अगर आए तो उनको ये बता देना कि विजय कुमार आया था और उसने इन दोनों, दो पुरुष और दो महिलाओं को बंधक बनाकर जंगल की ओर लेके गया है। विजय कुमार को विरोध कौन करेगा, वो तो हथियारबंद था। और वो उस वक्त का माहौल ऐसा था कि विजय कुमार को विरोध करके कोई मरना नहीं चाहता था। 16/8/1990 की ये घटना हुई और 4 दिन के बाद अपहृत वो दोनों व्यक्तियों की लाशें दहली गांव के पास मिली। एक लाश दहली गांव के पास मिली, एक लाश कहीं और मिली। विजय कुमार के जंगल के कानून के मुताबिक इन दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और पूरा तहसील क्षेत्र भय और चिंता के साय में जीने लगा। विजय कुमार ने उन दोनों महिलाओं को भी अपहृत किया था, अब दोनों महिलाओं का अपहरण किया था। बाद में उन महिलाओं का क्या हुआ, क्या विजय कुमार के साथ वो रही या फिर विजय कुमार ने उनको माफ कर दिया। इन दोनों पुरुषों का कत्ल करने के बाद इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। विजय कुमार से वो लोग डरते थे जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है, जिन्होंने आदिवासियों की जमीन छीनी है, जिन्होंने बहु बेटियों की इज्जत लूटी है, जिन्होंने साहूकारी के नाम कर लोगों को कंगाल किया है। ऐसे लोग डर रहे थे। आम आदमी, गरीब तबके का आदमी तो चैन की नींद सो रहा था। उनको ये लगा कि अब रॉबिनहुड की एंट्री हो चुकी है, न्याय बराबर मिलेगा। इन पूरे क्षेत्र में विजय कुमार की दहशत और उसका कौर्य चरम पर था। अगली कहानी में हम आपको बताएंगे कि विजय कुमार ने
एक पीड़ित पत्नी की शिकायत पर पति के घर पर चिट्ठी भेजी और उसके बाद क्या हुआ, ये सारा मामला, ये सारी हकीकत, ये सत्य घटना आपके सामने अगले पांचवें चरण में लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और जय हिंद।